हाँ तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे द ग्रेट लीडर सीरीज का थर्ड पार्ट, जो कि फ्रेंड्स आपको पता ही है द ग्रेट लीडर सीरीज इज ग्रोइंग ऑन एंड ग्रोइंग ऑन। तो फ्रेंड्स, द ग्रेट लीडर सीरीज को आपको वोकल बनना होगा, क्योंकि द ग्रेट लीडर सीरीज सिर्फ एक सीरीज ही नहीं बल्कि हमारे लीडर्स के इतिहास की एक गौरव कथा है जो कि हमारे देश को प्रेरित करती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ 1627 महाराष्ट्र टू 1629 महाराष्ट्र। तो दोस्तों, 3 साल का जो महाराष्ट्र का कालखंड है, हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, 1627 से स्टार्ट करते हैं। एक मेजर इवेंट महाराष्ट्र की हिस्ट्री में हुआ, जो कि 1627 तक मैंने आपको भातवली का जो वॉर है उस पर एक्सप्लेन कर दिया था कि भोसले जादव प्राइमरली सामने आमने थे, बट मुगलों के वजह से मुगलों के तरफ थे और मुगलों के सामने शाहजी राजे भोसले ने एक शानदार पराक्रम दिखाया और उन्होंने जो है मुगली सेना के छक्के छुड़ा दिए। तो दोस्तों, मुगली सेना वहाँ से चली गई और 1627 में शाहजी राजे भोसले एक बड़ा नाम बन गए। लेकिन वो बड़ा नाम जब बने, तभी निज़ाम शाही वजीर मलिक अंबर ने उनके खिलाफ मुस्लिम सरदारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले के इतिहास में यही होता था दोस्तों, जब हिंदू राजे ग्रो करते थे तभी जो मुसलमान राजे थे, मुसलमान सरदार थे, वो एक साथ इकट्ठे होकर हिंदू सरदारों को जो है खदेड़ देते थे। और वही शाहजी राजे भोसले के साथ हुआ और उन्होंने और आदिल शाही ज्वाइन की। दोस्तों, उस टाइम आदिल शाह के सुल्तान थे सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह काफ़ी बेहतरीन इंसान थे और वो आदिल शाही के सबसे बेहतरीन इंसानों में एक माने जाते हैं। दोस्तों, आदिल शाही के इब्राहिम आदिल शाह का अच्छा जिंदा दिल्ली इसी से प्रूव होती है कि जब 1628 में महाराष्ट्र बहुत बड़े रिसेशन में था, बहुत बड़े दुष्काल में था और वहाँ पर किसानों के लिए कोई अनाज नहीं था बिकॉज द रेन वॉज नॉट देयर, और उसी वजह से खाने की कमी की वजह से काफ़ी सारे किसानों को उन्होंने लोन्स से जो है रियायत भी दी थी। तो इब्राहिम आदिल शाह अच्छे इंसान थे, इसीलिए शाहजी राजे भोसले ने आदिल शाही ज्वाइन की और वो आदिल शाही सरदार बने और आदिल शाह के तरफ से उन्हें पुणे और पुणे की जो है जहागीर दी गई थी। तो दोस्तों, वापस पुणे की जहागीर में आदिल निज़ाम मतलब शाहजी राजे भोसले जो है वो रहते थे और 1628 के एंड तक सिचुएशन ऑफ महाराष्ट्र इज़ गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट। दोस्तों, खाने की कमी थी और भोसले जादव कॉन्फ्लिक्ट तो था ही था। तो 1629 के स्टार्ट में भोसले जादव कॉन्फ्लिक्ट वॉज गॉन टू नेक्स्ट लेवल और प्राइमरली दोनों भी कुल के लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। दोस्तों, रिलेशन आपको लोगों को मैंने पिछले वीडियो पे ही बता दिया था कि जिजा माता जो कि शाहजी राजे भोसले की पत्नी थी और उनके ससुर थे लकुजी जाधव राव, लेकिन दोनों ही ससुर और दामाद एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे फ्रेंड्स। उस वजह से फ्रेंड्स ये जो डेक्कन का सिचुएशन था काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था। एक दूसरे के जानी दुश्मन बनने की वजह से काफ़ी सारे गांव में वो युद्ध होता था, काफ़ी सारे बार घोड़ दौड़ होती थी और काफ़ी सारे जो है प्रजा त्रस्त होती थी। दोस्तों, सिचुएशन इज़ ऑन देयर वर्स्ट, सिचुएशन इज़ ऑन देयर पीक एक्चुअली, और उस वजह से जो है उन्हें सिचुएशन नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत थी। दोस्तों, 1629 के मिड पार्ट में चलते हैं, 1629 के मिड पार्ट में क्या होता है कि शाहजी राजे भोसले निज़ाम शाही को वापस ज्वाइन करते हैं। ये एक स्पेशल इवेंट है दोस्तों। क्या होता है कि निज़ाम शाही वजीर मलिक अंबर का मृत्यु हो जाता है और उनके बेटे अफजल निज़ाम शाही का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और उस वजह से निज़ाम शाही डूबने की कगार पर आ जाती है, क्योंकि जो मुर्तज़ा निज़ाम शाह थे वो उतने अच्छे लीडर नहीं थे, उतने स्टेबल लीडर नहीं थे दोस्तों। तो उस वजह से शाहजी राजे भोसले आदिल शाही छोड़कर वापस निज़ाम शाही ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद निज़ाम शाही जो है ग्रो अप करने लगती है दोस्तों। और शाहजी राजे भोसले का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता था निज़ाम शाही के लिए, एक बहुत बड़े सरदार थे। और लखुजी जाधव राव भी मिड पार्ट ऑफ 1629 तक निज़ाम शाही ज्वाइन कर लेता है, लेकिन दोनों भी कुल का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म नहीं होता है और वो अभी भी चलता रहता है। तो दोस्तों, 1629 तक शाहजी राजे भोसले को ये खबर मिल चुकी थी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा संकट है, काफ़ी ज़्यादा कुछ भी हो सकता है तो कह नहीं सकते। इसी वजह से शिवाजी राजा जो
इनका बर्थ होने वाला था और जिजा माता को पता मतलब शाहजी राजे भोसले को पता चला था कि जिजा माता जो है माँ बनने वाली है, तो उस वजह से उन्हें एक बड़े सेफ प्लेस पर ले जाना ज़रूरी था। और शाहजी राजे भोसले ने अपने रिलेटिव और काफ़ी ट्रस्टेड इंसान विश्वास राव भोसले के घर में जिजा माता को रखा और उन्होंने बोला कि इनकी हिफाजत कीजिए। काफ़ी विश्वासु इंसान थे, क्यों? क्योंकि बेहतरीन योद्धा थे, शूरवीर योद्धा थे और काफ़ी बार भोसलेस के तरफ से इन्होंने लड़ाई भी की थी और भोसलेस के आपस संबंधी थे, रिलेटिव थे, तो उस वजह से ट्रस्ट तो बनता ही था दोस्तों। तो 1629 में क्या होता है कि शाहजी राजे भोसले जो है वापस निज़ामशाही ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भोसले ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और अनस्टेबल हो जाता है पूरा का पूरा डेक्कन वापस। काफ़ी ज़्यादा ये जो सिचुएशन थी काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और भूख के वजह से प्रजा की वैसे भी मृत्यु होती रहती है, काफ़ी सारे लोग स्थलांतरण करके दूसरे मुल्क में यानी कि प्राइमरली नॉर्थ ऑफ इंडिया या फिर काफ़ी वेस्ट ऑफ इंडिया में चले जाते हैं और उस वजह से जो है महाराष्ट्र का जो कर्नाटक महाराष्ट्र का ये जो डेक्कन का सिचुएशन था वर्स्ट सिचुएशन होते रहता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उस पर हम जानेंगे अबाउट द शिवाजी महाराज बर्थ एंड उसके बाद क्या होता है उनके बर्थ के बाद महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ग्रेट लीडर्स सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाना है ताकि वो भी हमारे भारत के सुनहरे लीडर्स थे के इतिहास को जानें और उन्हें समझें। तो फ्रेंड्स डू वॉच माय वीडियोस एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट, लेट मी नो हाउ आई एम वर्किंग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।